नमस्कार, मैं हूं रेखा प्रकाश और आप देख रहे हैं रोहतास एक्सप्रेस न्यूज। हम धनपुरवा में आ चुके हैं, रोहतास एक्सप्रेस न्यूज टीम धनपुरवा में आ चुकी है और चाय के दुकान पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। आज जानेंगे कि इस बार किसका सरकार बनने वाला है और साथ ही साथ मेरे एक युवा भाई हैं, उनसे पूछने जा रहा हूँ कि क्या चाय बेचना, छोटे मोटे रोजगार करना, क्या ये सामान का रोजगार नहीं है? देखिए, चाय बेचना सामान का रोजगार हम नहीं मानते क्योंकि ये छोटा है एकदम और इसे निज दृष्टि से लोग देखते हैं, कोई भी देखते हैं तो ये छोटा काम है। ऐसा बात नहीं है कि इसमें कम पैसा कमाएंगे और जो जॉब करता है वो ज़्यादा कमाता है, लेकिन जो भी करता है वो बोलता है कि हमें, जैसे कि नौकरी हो गया तो नौकरी एक समान का रोजगार है, वो कम ही कमाए 10,000 कमाएगा लेकिन उसको इज्जत से लोग देखते हैं और जो छोटा रोजगार करता है उसे इज्जत से लोग नहीं देखते हैं, तो बोलते हैं यार ये तो चाहिए। तो हम इसे समान का है, छोटा मोटा कोई भी रोजगार हो उसे समान का रोजगार हम नहीं मानते। तो एक चाय बेचने वाले तो प्रधानमंत्री बन जाते, वो चाय बेचने वाले डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बने थे, समझ गए? वो पहले कहीं का सांसद हुए, विधायक हुए, तब तो हुए। वो बोल रहे हैं कि हम चाय बेचने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए, बन जाएंगे चाय बेचने वाले डायरेक्ट प्रधानमंत्री। तो क्या 5 सालों में युवा बेरोजगार हुआ? हमारे ख्याल से तो अभी तक नहीं हुआ है, पहले जैसा ही चल रहा है। तो इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार का तो हम नहीं कह सकते किसकी बनने वाली है, बस हम ये जानते हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं है। क्या बदलाव जरूरी है? हाँ, जरूरी है। बहुत अच्छे। आप किसको अगर जिताना होगा? देखिए, ये मेरा मत है और मत गुप्त मत होता है, समझ गए ना? ये हम नहीं बताना चाहूँगा कि किसका, किसको हम वोट देंगे। ऐसे अगर कहें तो यहाँ के कोई भी नेता अच्छे नहीं है। तो अगर यहाँ से अगर किसी को जिताना हो, जैसे मीरा कुमारी जी हैं, छेदी पासवान हैं, इनमें से दोनों में से अच्छा कौन है? इसमें से दोनों को अच्छा नहीं, एक सुशील समाज दल का उम्मीदवार रघुराम शास्त्री बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, जो देवेंद्र प्रसाद की पार्टी है, मैं चाहूँगा कि उसी को जिताया जाए। मेरा क्यों कि दोनों को दोनों आदमी देख लिया, दोनों के काम देख लिया है, नए चेहरा के लिए नहीं जरूरत। क्या सासाराम की लोकसभा सीट पर नए चेहरे की जरूरत है? भाई हम मोदी हैं। तो इस बार आप मोदी की सरकार बनाने वाले हैं? जैसे बाबा ने कहा कि दोनों चेहरे से सासाराम की जो जनता है त्रस्त हो चुकी है, तो क्या बदलाव जरूरी है? नहीं, बदलाव तो जरूरी है, लेकिन फिलहाल में जो अभी पिछली कैंडिडेट रही है मीरा कुमार, इनका अस्तित्व देश लेवल पे और वैसे भी बहुत लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत शिक्षित परिवार से हैं, पढ़ी लिखी हैं और काम करने का मौका भी मिले हैं, करती भी हैं, बहुत सारी योजनाएं दी हैं जो अधूरी रही हैं और इन योजनाओं को जो वर्तमान अभी छेदी पासवान जी आए हैं ये पूरा नहीं कर पाए हैं और इनके कुछ कार्य रहे हैं जो यहाँ पे अभी एक्सप्रेस एक उन्होंने दिया था वहाँ दिल्ली से सासाराम के लिए और इसको ये नहीं रोक पाए और इसका एक ट्रांसफ़र करा दिया कि जो गया से चलती है, तो ये इनमें क्षमता वो नहीं है कि कुछ नया काम और वैसे काम दें जो यहाँ के लोगों को सूटेबल हो और यहाँ के लोग राहत महसूस कर सकें। तो क्या छेदी पासवान इस बार जीत रहे हैं? तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना कहेंगे कि मोदी, तो जैसे कि सासाराम की जनता जी है जो छेदी पासवान से भी निराश है और मीरा जी से भी निराश है, तो ऐसे में आप छेदी पासवान को कैसे जिताएंगे? तो क्योंकि मोदी तो यहाँ काम करने नहीं आएंगे सासाराम में, तो हमारा जो प्रतिनिधि होगा मोदी का यही वही काम करेगा सासाराम में, लेकिन दुखद है कि सासाराम की जनता दोनों प्रतिनिधि से त्रस्त है, तो ऐसे में आप मोदी के नाम पर सिर्फ वोट देंगे? तो नहीं है, दोनों ठीक है। क्या दोनों नेता सही है? दोनों जो लोकसभा के क्षेत्र में उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से भाजपा से, क्या दोनों उम्मीदवार सही है? अपना जगह पर सही है।
क्या लग रहा है आपको कि कौन जीतेगा? मोदी के नाम का ज्यादा मान, विपक्ष तो कह रहा कुछ लहर वहर नहीं है। विपक्ष का कहवे करी मगर लहर ज्यादा। क्या लहर है इस बार, मोदी लहर है? देखिए हर जगह अपना अपना क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं, लेकिन क्षेत्र में देखिए कि हमारा कैंडिडेट किस तरह का है, इसमें दो मत नहीं है। मीरा जी जो हैं मैंने पढ़ी लिखी हैं, अनुभवी हैं, वो मैंने स्पीकर रह चुकी हैं, तो इसलिए अनुभव तो उनका है ही। जहाँ तक छेदी पासवान की बात है तो ई डी स्थानीय है, ई डी लगे हुए हैं, इनका भी आदमी जो है लगे हुए हैं, अभी दोनों तर ऊपर है। अब इसमें कौन आगे जाएंगे इसको कहना उचित नहीं लग रहा है, अब समय बताएगा कि उस समय के आगे जा रहा है। ये 23 मई को क्लियर हो जाएगा। तो सासाराम के लोगों की शिकायत रहती है कि जैसे मीरा जी ने 2004 में जीता चुनाव, फिर 2009 में जीता, 2014 में वहाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे मीरा कुमार जी जीतते हैं वो दिल्ली में स्थापित हो जाती है, फिर उसके बाद सासाराम में उनका चेहरा दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में क्या उन्होंने दो बार राज्य किया, 5 साल मीरी जी ने राज किया, इसमें दोनों में से सबसे अच्छा कार्य किसने किया? तो राज की बात अगर करते हैं तो मीरा कुमार का कार्य छेदी पासवान से बेटर है। और रह गया सवाल कि जब आप कहते हैं कि मोदी जी तो किस मोदी की आप बात करते हैं? हमारे यहाँ कई मोदी हैं, एक सुशील कुमार मोदी है जो उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और एक मोदी ऐसा है जो हमारे देश का 13,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, नीरव मोदी, सही पकड़ा आपने। और एक मोदी है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि मोदी 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 मोदी, केवल नारा लगाने से काम नहीं होगा। वो तो हमारे यहाँ ये भी कहते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ लड़के पढ़े लिखे हैं उनको कहते हैं कि आप पकौड़ा बेचो, जो लड़का IPS और IAS कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, और उसको रोजगार के नाम पे आप कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, ये हमारे माननीय मोदी जी को शोभा नहीं देता ऐसी भाषण। तो इस बार क्या लग रहा है किसका मतलब लहर ज़्यादा है? लहर की बात नहीं है, अगर मेरी बात अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि 42 साल तक मैंने कांग्रेस को भी देखा और 13 साल 3 महीने हमने भाजपा को भी देखा, लेकिन इन दोनों के कार्यकलाप हमको अच्छे नहीं लगे। इससे मैं चाहता हूँ कि इस बार अपना मत मैं नोटा को प्रयोग करूँगा। नोटा क्यों, अगर आप दोनों पार्टी से असंतुष्ट हैं? दोनों पार्टी से असंतुष्ट है हम, तभी मैं नोटा प्रयोग करना चाहता हूँ। तो इस बार क्या लग रहा है? तो मीरे के वोट दिए मीरा जी को। तो मीरा जी में क्या आपको अच्छा ही दिखता है कि मीरा जी सासाराम क्षेत्र के पुरान मैंने नेता है, जीवन बाबू की बेटी है, कम से कम सासाराम का तो नाम रोशन हुई। क्या नाम रोशन होने से विकास का कार्य हो जाएगा? काम भी करेंगे। 2 बार जीती, 2 बार 2004 में 2009 में 2 बार जीत कराई, उन्होंने क्या काम किया? काम तो कौन मैंने खास विकास नहीं के लिए, लेकिन नाम तो रोशन के लिए बड़ी स्पीकर बनते। क्या रोशन होने से सासाराम का विकास हो जाएगा? देखिए अभी बहुत देर से मैं सुन रहा था अपने गांव के लोगों को, मित्रों को, आज तक कांग्रेस ने और खास करके मीरा कुमार की जहाँ तक बात है, इनके बाबूजी जो बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध थे, जैसे जगजीवन बाबू 5 बार सासाराम के सांसद रहे हैं। एक दुर्गावती जलाशय को आप देख लीजिए, 55 साल तक जलाशय के नाम पर यहाँ के किसानों को मूर्ख बनाया और बड़े बड़े ठेकेदारों को खूब कमवाया उसमें। जहाँ तक मीरा कुमार की बात है, मीरा कुमार भी 3री बार सांसद बनने के चुनाव लड़ रही हैं, 2 बार यहाँ से सांसद रही, लेकिन सासाराम का क्या विकास हुआ? अभी हमारे मित्र जितने भी बोल रहे थे, आप सासाराम रोहतास स्टेडियम है बगल में, 15 साल से इतनी कूड़ा भरी हुई थी कि यहाँ 50 से 60 गांव उससे प्रभावित था, ये सारे लोग जितने हैं सभी प्रभावित थे। उसके बदबू से जीना दुर्लभ था, लोग मरने के कगार पर थे, 50 गाँव के लोग जो इनमें बोल रहे हैं वही लोग मरने के कगार पर थे, सांस लेना दुर्लभ था। आज हमारे सांसद छेदी पासवान जी ने उसको नया करने का काम किया। आज जाकर देखिए स्टेडियम की क्या हाल है, आज वो स्टेडियम नया हो रहा है, मरने के कगार पर तो लोग थे ही, बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं था, आज वो खेलने के लिए हो जाएगा।
आज यही देखिए रेलवे क्रॉसिंग पे जाकर देखिए काम चल रहा है ओवरब्रिज का, दो दो घंटा तीन तीन घंटा लोग इसी रेलवे क्रॉसिंग पे फाटक बंद रहने के कारण से खा रहते हैं। क्या तीन घंटा उनका नुकसान नहीं होता है? 29 घंटा नुकसान के बदले जब वो काम करेंगे तीन घंटा तो उनका विकास नहीं होगा। आज ये देखिए बगल में गली बना हुआ है, बगल में गली बना हुआ है, पचासों साल से ये गली बजबजा रहा था, लोग बदबू से मर रहे थे, दलितों का गली है। सात निश्चय से नीतीश कुमार जी के फंड से काम हुआ है। और सांसद जी की जहाँ तक बात है, ये लोग कहते हैं कि सांसद जी क्या किए हैं, हमारे पंचायत में केवल महद्दीगंज पंचायत में 70 लाख रुपया का योजना दिए हैं। 70 लाख रुपया की सड़क के गली जो दलितों का महादलितों का मैंने बरसों से काकाला के बदबू दे रहा था, नली नहीं था, बजबजा रहा था, उसका विकास किया, किसको लाभ मिला उसका?